नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे 2021 हुंडई ओरा एस सीएनजी वेरिएंट के बारे में। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7.67 लाख रुपीज़, न्यू दिल्ली के अंदर इसकी ऑन रोड कीमत है 8.63 लाख रुपीज़। इंडिया की एक मात्र कॉम्पैक्ट सेडान ये गाड़ी है जो कि कंपनी फिटेड सीएनजी में आती है। और दोस्तों, जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे हैं, सीएनजी की तरफ तो स्विच करना ही पड़ेगा, चाहे आप आज करें चाहे 5 महीने बाद करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी का एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू करके दिखाऊंगा, क्या क्या फीचर्स आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर्स में मिलते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको कंक्लूड करके भी बताऊंगा कि 8.5 लाख रुपये के बजट में आपको ओरा सीएनजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 68 bhp की पावर, 95 Nm का टॉर्क। अब क्योंकि ये सीएनजी में है तो पावर फिगर्स इसकी पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी में 2 एयरबैग, ABS, EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं, और आप देख सकते हैं हुड पर यहाँ पर कोई भी इंसुलेशन नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर के फीचर्स के बारे में। इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको मिलती हैं हेलोजन हेडलाइट्स, नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं, LED आपको DRLs मिलते हैं जो फ्रंट ग्रिल्स के साथ इंस्टॉल हैं दोनों ही साइड, और आप देख सकते हैं ग्रे कलर की फिनिशिंग में यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल्स मिलती है काफ़ी बड़े साइज़ की, और फ्रंट से देखने में गाड़ी काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। दोस्तों, अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं टायर साइज़ के बारे में। 165/70 R14 आपको यहाँ पे टायर प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर टायर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और कंपनी से ही यहाँ पे आपको मिलती हैं व्हील कैप्स। फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिलता है। बॉडी कलर आपको ORVMs मिलते हैं विद इलेक्ट्रिकली एडजस्ट। बॉडी कलर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर दोस्तों डोर हैंडल्स। कंप्लीट साइड प्रोफाइल की लुक्स एक बार आपको दिखा देता हूँ। 3995 mm की गाड़ी की लंबाई है, 1680 गाड़ी की चौड़ाई है दोस्तों, और इस गाड़ी की जो कर्व वेट है वो है यहाँ पे आपका 978 kg। दोस्तों, अब चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ और बात करते हैं इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल के फीचर्स के बारे में। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं ऐसी कुछ प्रोफाइल मिलती है आपको। रूफ में पीछे की साइड एक पावर एंटीना, बैक ग्लास के अंदर आपको डिफोगर दिया गया है। जेड शेप में आपको मिलती हैं गाड़ी के अंदर LED टेल लाइट्स, बिल्कुल सेंटर में ओरा की ब्रांडिंग। 165 mm की आपको मिलती है गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस, और बैक बम्पर के अंदर आपको मिलते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और दोनों ही साइड बम्पर में आपको मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स। अब बात करें अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 37 लीटर्स की आपको गाड़ी के अंदर मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, और कंपनी क्लेम करती है 20.5 kmpl का माइलेज इस गाड़ी का हाईवे पर। अब चलते हैं इंटीरियर में, उससे पहले आपको इसके की दिखा देता हूँ। एक आपको रिमोट की मिलती है 3 बटन्स जो कि फ्लिप की है, और दूसरी आपको सिंपल की मिलती है। दोस्तों, ड्यूअल टोन फिनिशिंग में आपको ड्राइवर साइड डोर मिलता है, चारों ही पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड विंडो आपकी ऑटो डाउन है, यहीं पर आपको डोर लॉक अनलॉक का स्विच, ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के स्विच मिलते हैं। नीचे स्पीकर, बोटर होल्डर का स्पेस, डोर पॉकेट का स्पेस, ऐसी कुछ फिनिशिंग आपको गाड़ी के इंटीरियर की मिलती है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। फ्रंट की दोनों सीट्स में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, और दोस्तों ड्राइवर साइड सीट में आपको हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। और आप देख सकते हैं जो सीट्स की फिनिशिंग है, जो इनकी कुशनिंग है, वो एक अलग ही लेवल की है। ड्राइवर के राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर और एक स्विच दिया गया है, जिससे आप गाड़ी को CNG और पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं। टिल्ट एडजस्टेबल दोस्तों आपको गाड़ी के अंदर मिलता है स्टेयरिंग, और स्टेयरिंग में आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलते हैं ऑडियो के कंट्रोल्स, कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट। नीचे की साइड आपको यहाँ पे मिलती है सिल्वर फिनिशिंग, और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है एनालॉग MID। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको RPM मीटर मिलता है, राइट हैंड साइड पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है, सेंटर में एक छोटी सी यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जो आपको बताती है कि आपकी गाड़ी के अंदर CNG कितनी है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे बताती है कि पेट्रोल कितना है गाड़ी में। और ये एक नोब दी गई है जिससे आप देख सकते हैं ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टाइम वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दिखाती है। ये इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर आपको रेडियो, ऑक्स कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिलते हैं। 4 स्पीकर्स आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स और फिजिकल जो नॉब्स हैं वो दी गई हैं। नीचे की साइड आपको दिया गया है मैनुअल AC, और जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके नीचे आपको एक USB पोर्ट मिलता है, एक फास्ट चार्जिंग का भी पोर्ट दिया गया है, मोबाइल रखने के लिए स्पेस है, और दोस्तों 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स का स्पेस मिलता है, और सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो इस गाड़ी में नहीं मिलता है। डे नाइट रियर व्यू मिरर भी यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि मैनुअल डे नाइट रियर व्यू मिरर है। ऊपर रूफ में आपको एक हैलोजन लाइट मिलती है,
को ड्राइवर साइड आपको ना तो वैनिटी मिरर मिलता है, ना ही आपको कोई टिकट होल्डर्स का स्पेस, और दोस्तों फिक्स आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर ग्रैब हैंडल्स। ड्राइवर साइड आपको सिर्फ टिकट होल्डर का स्पेस दोस्तों दिया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का ग्लोव बॉक्स, जो कि एक कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, और काफी बड़े साइज का यहाँ पे आपको एक ग्लोव बॉक्स दोस्तों मिलता है, और ऊपर की साइड भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्टोरेज जो है वो दिया गया है। अब मेन बात आती है इस गाड़ी के इंटीरियर की फिनिशिंग की। जब आप ओरा के अंदर बैठते हैं तो इसके अंदर तो ये तीन टाइप के डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। ऊपर की साइड आपको थोड़ा ब्लैक कलर दिया गया है, फिर ब्राउन, और फिर नीचे की तरफ थोड़ा आपको मैं ये कहूंगा क्रीमिश टाइप का ये कलर जो मिलता है, तो काफी फ्रेश आपको बैठने के बाद लगता है। और जो गाड़ी की यहाँ पे फिट एंड फिनिश है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, वो भी काफी बेहतर रखी गई है, तो आपको बैठने के बाद काफी अच्छा यहाँ पे गाड़ी में पर्सनली फील होगा। और मेन बात तो सबसे ज्यादा ये है कि सीएनजी में ये गाड़ी अच्छा खासा माइलेज निकालती है, कंपनी फिटेड सीएनजी है। गाड़ी की जो सीट्स हैं वो भी काफी कंफर्टेबल हैं, तो बैठने में कोई भी दिक्कत परेशानी आपको कंफर्ट से रिलेटेड इस गाड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अभी ये सारी बातें हो गई इसकी फ्रंट सीट की, अब चलते हैं हम इसकी रियर सीट पे और चेक करते हैं वहां पे फीचर्स और स्पेस। सेम आपको डुअल टोन फिनिशिंग में यहाँ पे गाड़ी के अंदर मिलता है रियर डोर, और यहीं पे आपको पावर विंडो का स्विच मिलता है, नीचे स्पीकर मिलता है, वोटर होल्डर का स्पेस, डोर पॉकेट का स्पेस। जो इस गाड़ी की रियर की सीट है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसी सीट में आपको रियर में मिलता है आर्मरेस्ट का ऑप्शन, जिसके अंदर आपको दो कप होल्डर्स का भी स्पेस दोस्तों दिया गया है। और आप रियर सीट देख सकते हैं नीचे से थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई है। तो फिलहाल अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं स्पेस के बारे में। तो ड्राइवर साइड सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है, मेरी हाइट 5'11" है, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा नी रूम मिल रहा है। और दोस्तों सबसे बेहतरीन बात यह है कि बैठते के साथ ही नोटिस होती है कि जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर दी गई है, क्योंकि नीचे से सीट थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई है, इसलिए अंडर थाई सपोर्ट अच्छी मिलती है। बिल्कुल सही जगह पर यह प्लेस किया गया है आर्मरेस्ट। पीछे भी आपको एसी वेंट मिलते हैं दोस्तों, नीचे की साइड आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। ये जो बम्प है ये बिल्कुल ना के बराबर है, इतना ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, तो सेंटर में अगर कोई बैठेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं कि कितने बंदे आराम से आ सकते हैं, तो वही बात है दोस्तों, दो अडल्ट और एक छोटा बच्चा ही आराम से बैठ पाएंगे, तीन अडल्ट तो बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन दो अडल्ट और एक छोटा बच्चा कम्फर्टेबल होकर बैठ कर जा सकते हैं एक लॉन्ग जर्नी पर भी। पीछे की साइड भी आपको मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर फिक्स ग्रैब हैंडल्स, और ऊपर आपको रूफ में दी गई है एक हेलोजन लाइट। जब आप रियर सीट पे बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसी फिनिशिंग यहाँ पे आती है फ्रंट डैशबोर्ड की, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी एयरी लगता है और काफ़ी फ्रेश आपको लगता है। गाड़ी का जो ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बड़ा है, क्लास्ट्रोफोबिक आपको बैठने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होगा, रोशनी की भी कोई दिक्कत अंदर बैठने के बाद नहीं होगी। और ये चीज़ मैं आपको 100% कहना चाहूँगा, बिल्कुल मैं श्योर हूँ इस चीज़ में कि इस गाड़ी की जो रियर की सीट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, सीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स थे इस गाड़ी के इंटीरियर के, अब चलते हैं हम इस गाड़ी के बूट की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि सीएनजी टैंक होने के बाद कितना बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर बचता है। अगर आपको इस गाड़ी का बूट स्पेस एक्सेस करना है तो चाबी में आपको एक बटन मिलता है, अगर आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो इस गाड़ी का बूट ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके बूट में यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो कि कंपनी से ही आता है। और इसकी जो कैपेसिटी है, सर्दियों के अंदर इस गाड़ी के अंदर मैक्सिमम 8.5 kg तक गैस आती है, गर्मियों में आपकी 8 किलो तक गैस आती है अगर अच्छा प्रेशर है। और आप देख सकते हैं जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी डिसेंट है। अगर मैं नॉर्मल ओरा की बात करूँ जिसके अंदर सीएनजी नहीं आती, तो उस गाड़ी के अंदर आपको 402 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी कि 402 लीटर्स का। और अभी भी मैं ये कहूँगा काफ़ी डिसेंट स्पेस यहाँ पे है, दो छोटे बैग आराम से आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बूट नहीं है। कॉम्पैक्ट सेडान होने का यही एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो इस गाड़ी का स्पेयर व्हील है एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ, सेम प्रोफाइल का आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिलता है 165/70 R14, जो इसके बचे हुए और चार टायर्स हैं। तो स्पेयर व्हील को आप पीछे सरका के और ऊपर को उठा के आराम से निकाल सकते हैं इसके बूट में से, अगर आपकी गाड़ी में बाई चांस पंचर वगैरह हो जाता है। फिलहाल दोस्तों बूट का करते हैं बंद और कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को कि 8.5 लाख रुपए के बजट में आपको ये कॉम्पैक्ट सेडान लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ महंगाई की, जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन निकल के आता है वो सीएनजी का ही आता है। और सीएनजी में कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर अभी तक तो ये इंडिया की एकमात्र गाड़ी है, इसके बाद अभी मारुति वालों की डिज़ायर आएगी सीएनजी में, लेकिन वो जब आएगी तब आएगी, उससे पहले तो ये अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है कि 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो कि काफ़ी रिफाइन है।
अच्छा खासा माइलेज भी दोस्तों ये गाड़ी आपको निकाल के देती है, और सीएनजी के प्राइस भी पेट्रोल से हाफ है और माइलेज भी डबल है। तो मेन बात निकल के ये आती है कि अगर आप ओरा सीएनजी में लेंगे तो आपकी गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट आएगी वो मुश्किल से आपकी 2 रुपये किलोमीटर या 2.25 रुपये किलोमीटर आएगी, मतलब जो कि काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आप पेट्रोल के प्राइस से परेशान हैं तो आपको डेफिनेटली ओरा सीएनजी चूज़ कर लेनी चाहिए। गाड़ी के अंदर वैसे भी कोई कमी नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज़, म्यूजिक सिस्टम, जितने भी काम के फीचर्स हैं वो ऑलरेडी फैक्ट्री फिटेड आ रहे हैं, आफ्टर मार्केट आपको जाना नहीं पड़ेगा। एक मेरे हिसाब से तो ये 8.5 लाख रुपये के बजट में काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है अर्टिका सीएनजी का, लेकिन वो 7 सीटर में है और थोड़ी सी इससे बड़ी है। तो चॉइस दोस्तों आपकी है, दोनों ही गाड़ियाँ बढ़िया हैं। अगर आप ओरा सीएनजी का ओनरशिप रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में यही सब बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आज की जानकारी आपके किसी काम की लगी है आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।